हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीता किचन में। तो आज हम लेके आए हैं ब्रेड से ऐसी मजेदार रेसिपी जो आप दीपावली, भैया दूज या छठ पूजा या कोई सा भी पर्व हो तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जूसी जूसी बनते हैं और सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 8 ब्रेड, इनके हम साइड वाला पार्ट को कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इनको यूज में ले सकते हैं। अब इन ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं, एक बॉल में रख लेते हैं। तो सारे ब्रेड को हमने इस तरीके से तोड़ लिए हैं। यहाँ पे हमने आधी कटोरी दूध लिए हैं और जो दूध का मलाई था ना, मलाई भी ले लिए हैं। तो मलाई से ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास मलाई है तो जरूर लीजिएगा। 3 चम्मच दूध डाल दिए हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गया है। अब जो दूध में मलाई था ना, सारा मलाई डाल लेते हैं। अब इनको हम गूंद लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालिएगा, हमें यहाँ पे डो लगा के तैयार करना है। तो एक बार में बहुत ज्यादा मत डालिएगा, जरूरत के हिसाब से ही डालिएगा। इनको अच्छे से मसलते हुए गूंदिएगा ताकि इसमें गुठलियां वगैरह ना रहे। आप चाहे तो इनको मिक्सी में भी एक बार पीस के ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बर्तन क्यों कचरा करना जब अगर हमारा शॉर्टकट में ऐसे ही बन के तैयार होते हैं। तो आटे को हमने ढक के साइड में रखे हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी, 1.5 कटोरी पानी लिए हैं, गैस चालू है, और इसमें कुछ केसर के धागे भी डाल दी हैं। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है इसमें। आप चाहे तो यहाँ इलायच का पाउडर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है। तो बस हमें महसूस होना चाहिए कि चिपचिपी सी ये लग रही है, बस इतना ही हमें चाशनी रेडी करना है। तो जैसे हम रिफाइन तेल लगाते हैं ना हाथ में, तो बस उतना ही महसूस हमें होना चाहिए। तो देखिए हमें इस तरीके से चेक कर लेना है आपको। और ये चाशनी ना तैयार हो गया है। चाशनी को साइड में रख देते हैं और आटे को थोड़ा सा ना मसल लीजिएगा। आटे यहाँ पे हम तो वहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट लगाए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए रखने के बाद ना टाइट हो गया है। अब हम यहाँ पे मसल के चिकना कर लिए हैं। अब इनके हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो लंबाई तो लंबाई में बना लीजिएगा और बड़ा साइज या छोटा साइज अपने हिसाब से रखिएगा। तो बॉल इतना अच्छा से बनेगा कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना रहे, अच्छे से चिकना करके बनाइएगा। तो आप आटे को जितने बढ़िया से मसलेंगे ना, उतना ही अच्छा बॉल बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे हमने रिफाइन तेल लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं गर्म किए हैं, बहुत ही कम गर्म है। इसे हम सारे बॉल्स को डाल देते हैं। गैस को मीडियम ही रखे हैं, इनको हम इस तरीके से पकने देते हैं। तो बीच में हमने इस तरीके से देखिए पेन को हिला लिए हैं। तो पेन में हमें अच्छा लगता है, जब भी हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं ना, तो खास करके गुलाब जामुन तो हम पेन में ही फ्राई करते हैं। इनमें चलाने में बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि पेन का जो है ना थोड़ा सा फैला फैला रहता है, तो इसमें फैलाने में बढ़िया रहता है चलाने में। तो फटते भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखिए अलट पलट करते हुए इसको फ्राई करना है। तो गैस को मीडियम ही रखिएगा जब भी इनको फ्राई करिएगा। तो हमें देखिए 1 से 2 मिनट हुआ, इनका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कलर जैसा चाहिए, ज्यादा काला तो काला कर सकते हैं, ज्यादा लाल चाहिए तो लाल कर सकते हैं, जैसे आपको कलर पसंद हो इसे कलर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से कलर आ गया है, बस हमें इतना ही चाहिए। और इसमें हल्का हल्का सकरे का है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत तो चलता है ना। तो कोई नहीं, हम घर पे बना रहे तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है। अब यहाँ पे सारे गुलाब जामुन ना देखिए इस तरीके से कलर भी आ गया है, और ये देखिए हल्का हल्का क्रैक है। बस हम इनको गर्मा गर्म चाशनी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, चाशनी में एक उबाल ले आते हैं चाशनी, क्योंकि ये काफी ठंडा हो चुका है। तो एक बॉयल आ जाए ना चाशनी में, बस हम गैस को बंद कर देते हैं। इनको हम ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने ज्यादा फूले फूले लग रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम देखिए हथौली के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, पहले हम निकाल लेते हैं एक बॉल में। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है एकदम बाजार से हमने लाए हैं गुलाब जामुन, दिखने में भी लग रहा है और खाने में सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे गुलाब जामुन को निकाल लिए एक बॉल में। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए एकदम मार्केट जैसे गुलाब जामुन रेडी हो चुका है। अब हम कट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट में निकाल लेते हैं एक पीस और दिखा देते हैं आपको।
तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना ज्यादा, देखिए सॉफ्ट बना है, आपको हम कट करने से इसे पता लग रहा होगा कि कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। और बीच में देखिए ये देखिए कितना जालीदार और जूसी जूसी बना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये रेसिपी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी दीपावली।